निश्चित तौर पर मैं उस मामला को उठाएंगे कि उसी दिन 2, 3, 4 को एक हमारे मुस्लिम भाइयों का समाज का भी हम उसका कोई विरोध नहीं करते, मगर उसका कार्यक्रम कैसे हुआ, जबकि उस जगह पे जहाँ पे करवाया था वहाँ पे दो रास्ता था, हमारे यहाँ रामराज मंदिर चिटाही धाम में मतलब 6 रास्ता आने या जाने का था, उसके बाद भी रास्ता को हवाला देते हुए कि यहाँ पे कंजेस्टेड रास्ता ये है वो है, इस तरह का रास्ता का हवाला देते हुए सारा प्रोग्राम को रद्द कर दिया गया, परमिशन नहीं दिया गया, क्योंकि जान रहा है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे सनातन धर्म के प्रमुख गुरु हैं, हमारे हिंदू धर्म के प्रमुख गुरु हैं, तो उनके आने के बाद निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इनको डर था, सरकार को डर था, इसलिए परमिशन नहीं दिया गया। साक्षात वो भगवान है, अब भगवान के रूप में, और भगवान का जो विरोध करता है उसका विनाश तय होता है। भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि हम लोग बाबा को पकड़ लेंगे और विधायक बन जाएंगे, उसी पे वो लोग चलते हैं। तो चलिए मैं उनको बधाई देता हूँ, लेकिन हम लोग जनता को पकड़ते हैं, जनता के सुख दुख में हम लोग उनके साथ खड़ा होते हैं, हम लोग को जनता पे विश्वास है और भाजपा को बाबा पे विश्वास है। ढुल्लू महतो बाबा को भगवान मानता है तो नहीं, नहीं देखिए, अगर देखिए अगर ढुल्लू महतो जी अगर बाबा जटेश्वर बाबा बागेश्वर बाबा को अगर वो भगवान मानते हैं तो निश्चित तौर पर वो भगवान है उनका। जनता के लिए अगर हक की लड़ाई लड़ेगा कोई नहीं आएगा, लेकिन बाबा आएंगे तो इतना बड़ा लोग जुलूस आता है, करता भी देता है, तो अच्छी बात है। तो मैंने कहा इसको देखते हुए मैंने कहा कि ठीक है, अब बाबा का ही राज है तो हम लोग भी बाबा बुलाएंगे।